हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। ये ज़्यादा हो गए हैं 5:30 से। मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं फटाफट गर्म कर लेती हूँ गर्म पानी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, मैं अपनी पानी गर्म करके पानी पी करके फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ समय के लिए घर चली गई थी, तो मेरी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो गाइस, उस नुकसान को मुझे फिर से किसी भी तरह करके फुलफिल करना है। गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं TGT की तैयारी करती हूँ और TGT की जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस, आप लोग भी ठंड का इंतज़ार मत करिए कि ठंड ख़त्म हो फिर पढ़ाई स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। ठंड जाएगा कुछ महीने बाद, फिर वापस आएगा। ठीक, अगर आप ठंड का ही इंतज़ार करते रह जाओगे तो कोई भी सफलता आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो गाइस, आप लोग भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। देखते हैं गाइस, हमारा पानी गर्म। तो गाइस, अभी हमने पानी वगैरह पी लिया है और अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और लगाऊँगी टाइमर और मैं पढ़ूँगी टेक्सटाइल। एक मिनट आप लोगों को दिखा दूँ, यह है टेक्सटाइल और आज मेरा चैप्टर है कॉटन। गाइस, मैं काफ़ी समय से 10-15 दिन से मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही थी। कहीं घंटे 1.5 घंटे ही मैं पढ़ पाती थी। जैसा कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो में पता चल गया होगा कि मैं गांव गई थी। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ और मैं फिर से स्टार्टिंग से ही अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्सटाइल में पहला चैप्टर कॉटन ही होता है। तो गाइस, अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और मैं ऑन करूँगी टाइमर। तो गाइस, आप लोग भी जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो टाइमर ज़रूर लगाया करिए। तो गाइस, मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, नहीं मैं आपको लगा करके दिखाती। तो गाइस, जब तक नहीं है तब तक आप लोग भी ऐसे ही काम चलाइए। किसी तरह जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। 2 फ़ोन भी कोई असंभव नहीं है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से। तो गाइस, अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे पढ़ाई करने के बाद। तो गाइस, अभी हमने 1 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई कर ली है, आपको दिखाते हैं। इस टाइम बज रहे हैं 7:10 हो रहे हैं। तो गाइस, अब मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। अब थोड़ा घूम लेती हूँ बाहर, देख लेती हूँ कितनी ठंडी वगैरह है। तो गाइज, आप लोग भी देख सकते हैं इतनी ठंडी है हमारे यहाँ। ये पिजन उड़ रहा है। गाइज, ठंडी बहुत है। आप नीचे दिखाओ, नीचे देखो पूरा भीगा हुआ है। यह है मेरा साग जो रखा था, तो हमने इसे रख दिया है शीत में। देखिए आप लोग, बिल्कुल हरा भरा है। अगर इसे मैं घर में रखती तो शायद ये सूख भी जाता। अभी ये बिल्कुल हरा भरा है। तो गाइज, 1 घंटे 15 मिनट की हमने पढ़ाई की है। रिपीट से बैठते हैं क्योंकि बाबू को भी स्कूल वगैरह नहीं जाना है, अभी छुट्टी चल रही है, तभी पढ़ाई करते हैं। हाँ, 9 बजे तो पढ़ते हैं, फिर जब बाबू उठ जाएगा तो फिर जो भी काम होता है वो करेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। तो गाइस, अभी मैं पढ़ रही थी टेक्सटाइल चैप्टर।
एक घंटे में मैंने पूरा टेक्सटाइल कॉटन चैप्टर, सॉरी कॉटन चैप्टर हमने टोटल कंप्लीट कर दिया है। 1 घंटे लग गए उसमें पढ़ने में, पूरा फाइनल करने में। अब मैं उठाती हूँ कोई और सब्जेक्ट। गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो कॉपी है मेरी, खादू गाइस हमारी ये कॉपी है। तो जब मैं ये, आप लोग देखिए, ये मैं यूट्यूब से जब प्रैक्टिस करती हूँ तो जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है वो हम नोट करते रहते हैं। ये मेरी ऐसी कॉपी है कि आप लोग देखिए, इतना मैंने मतलब यूट्यूब से जब मैं पढ़ती हूँ तो कोई क्वेश्चन जो हमको नहीं आता वो मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ और बाद में मैं इसका कर लेती हूँ। तो गाइस चलिए 1 घंटे में इसी का रिवीजन करती हूँ। गाइस अभी हमारी 2 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है। घड़ी में आप लोग, घड़ी में बज रहे हैं 8:30। तो गाइस हमारा बेटा भी उठ चुका है। तो गाइस अभी मैं उठती हूँ और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और फिर काम फाइनल करके नाश्ता पानी करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस फाइनली हमने अपने कमरे की साफ सफाई कर ली है, आपको दिखा। गाइस काफी गंदा कमरा था तो अभी हमने साफ सफाई की है, लेकिन धीरे धीरे साफ होगा। कपड़े भी बहुत सारे धुले हैं। तो गाइस अभी मैंने दाल भी बना लिया है, ये है चावल और ये हमारी बन रही है चाय। दिखा गाइस, ये हमारी बन रही है चाय। जुकाम भी बहुत तेज है, बंद कर देते हैं। ये हमने सब्जी भी काट करके रख ली है, अभी सब्जी बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर पढ़ाई करने स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको पता है घर के काम में ही काफ़ी समय लग जाता है। 8:30 बजे में काम पर लग गई थी नहीं तो काम भी ज़्यादा हो गया था, काफ़ी साफ सफाई करनी थी। और अभी आपको दिखाते हैं कितने बज रहे हैं, अभी बजने वाले हैं 11, जब तक हम अपना काम वगैरह करेंगे 11। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि फटाफट काम फिनिश करके फिर 11 बजे तो स्टडी करने बैठ ही जाऊँ। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस हम खाना खाने के बाद 1 घंटे पढ़ाई हमने की थी, उसके बाद में हम सो गए थे, और क्योंकि तबीयत भी थोड़ा डाउन है फिर मैं उठी, फिर मैं मोबाइल से पढ़ रही थी क्योंकि गए जितना भी था वो मैंने पूरा नोट्स बना लिया था, लेकिन मैम वापस से पढ़ा रही हैं तो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही पढ़ लेती हूँ उनकी वीडियो, और देखती हूँ कि कोई चीज़ अगर कोई नया ऐड हो रहा हो तो वो नोट कर लेती हूँ। तो उनकी 2 घंटे की वीडियो थी तो वो मैंने पूरा पढ़ लिया है फाइनली। अभी तक टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 4 और मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। 4 बज रहे हैं, 4 घंटे की पढ़ाई हमने कर ली है। गाइस यहाँ गोलू भी बहुत गंदा दिन हो गया था, ये नहाया भी नहीं था, अभी हमने गोलू को फ्रेश कर दिया है। और गोलू इतना कपड़ा पहने हुए था, इतना इसका निकला है। आई गोलू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, एक फ्राईदान पानी गर्म किया, उसमें गोलू नहा लिया। ये होता है ठंडी का मौसम, इसको भी ऑलरेडी जुखाम है तो ज़्यादा नहीं नहलाया हमने। तो गाइस ये कपड़े धुलूंगी, किसी तरह सूखेगा, वैसे धूप ही नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा दिन बीत गया। ये है आसमान नीले पीले, ये आसमान है, धूप नहीं निकल रहा है। गाइस चलिए गोलू को खाना खिला देते हैं क्योंकि 5 बजे से इसकी कोचिंग है, इसको खाना खिला देते हैं, ये कोचिंग चला जाएगा, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, फिर कुछ काम है वो करूँगी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे कुछ समय के बाद। तो गाइस अभी हमारा बेटा चला गया है कोचिंग, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया है 1-1.5 घंटे का, तो मैं अपनी स्टडी अब स्टार्ट करती हूँ। गाइस मैं आपको दिखा, अभी मैं पढ़ने जा रही थी न्यूट्रिशन साइंस,
न्यूट्रिशन साइंस का ये पहला ही चैप्टर है पोषण विज्ञान, और जो चैप्टर का नाम है पोषण। तो गाइस जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं 10-15 दिन से मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जो मैं जो भी नोट्स ओपन करती हूँ मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ती हूँ। तो चलिए गाइस पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी से गई थी मार्केट, अभी ठंडी से आई हूँ। देखिए गला वाला एकदम बैठ गया है, पता नहीं कैसे आवाज़ हो गया है। तो कुछ चटपटा खाने का मन था, तो फाइनली अभी हम लाए हैं मोमोज। ये हमारे पास निरमा मंजन चाय पत्ती वगैरह ख़त्म हो गया था। तो चलिए गाइस मोमोज खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग को लग भी रहा होगा सभी लोग सो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ सोने। आपको दिखाती हूँ टाइम, देखिए रात के बज रहे हैं 11। तो गाइस ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ठंडी से बचिए, अपना काम भी करते रहिए और केयर भी करते रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस आप हमको भी सपोर्ट करिए, प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दिया करिए। तो चलिए ठीक है गाइस, बाय गाइस।